हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 8 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है जी। इसके अंतर्गत ये अपने कस्टमर के वेल्थ के साथ साथ, मतलब धन के साथ साथ, उसके फैमिली के हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। इसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 3 लाख रुपया आपके मंथली एवरेज बैलेंस होना चाहिए। इसमें आपके फैमिली में आपके आपके मिसेस को, मतलब वाइफ के साथ साथ 2 बच्चों का हेल्थ केयर देखा जाएगा जी। चूँकि ये किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके MD और CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी कि ये किसने किया है। आपके ऑप्शंस में SBI, PNB ऐसे बैंक के नाम आ सकते हैं, लेकिन ये सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट शुरू किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और इसमें एक्चुअली 5 लाख रुपया के डिडक्शन के साथ 25 लाख रुपया तक के कवर है। मतलब अगर आपको खर्च 25 लाख रुपया होता है तब भी वो वहन करेगा। दूसरा आर्टिकल है थाईलैंड से रिलेटेड। थाईलैंड आप जानते हैं ये एशियान की कंट्री है। थाईलैंड ने अनाउंस किया है सनस्क्रीन होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, उससे कोरल रीफ को बहुत नुकसान हो रहा है, तो उस पर उन्होंने बैन लगा दिया है। और जो भी यूज करेगा 1 लाख बहुत उसका वहन करना पड़ेगा जी, फाइन के रूप में, ठीक है। इससे पहले पलाऊ और हवाई ने ऐसा कर चुका है। अब बात थाईलैंड की आई है, तो थाईलैंड का आप मैप देखिए, ये लैंड लॉक नहीं है जी। आप देख रहे होंगे फिगर में दिख रहा होगा, लाओस इसके म्यांमार और कंबोडिया के साथ साथ मलेशिया इसके नेबर कंट्री हैं। समंदर से इनके बाउंड्री लगते हैं। कैपिटल बैंकॉक है, ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है, करेंसी यहाँ बहुत चलता है, प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चान ओ चाय, और पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहते हैं, अपर हाउस को सीनेट, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगला आर्टिकल है रेगुलेटरी डेटा डैशबोर्ड। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह ने लॉन्च किया है रिफॉर्म एंड रेगुलेटरी नॉलेज बेस फॉर पावर सेक्टर। एक प्रकार के सर्टिफिकेशन है जो प्रोवाइड करेगा रेगुलेटरी ट्रेनिंग टू द प्रैक्टिशनर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड थ्रू वर्चुअल मोड, ठीक है। साथ ही RK सिंह ने रेगुलेटरी डेटा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है, और ये एक प्रकार की कंपेडियम है जी, ठीक है ना। और ये डेवलप किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, तो आप याद रखेंगे रेगुलेटरी डेटा डैशबोर्ड। अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। अगला आर्टिकल है टोक्यो ओलंपिक्स 2020। भले ही 2021 में हुआ है, लेकिन ये 2020 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अगली बार जो होगा वो फ्रांस में होगा जी, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। तो मतलब पेरिस ओलंपिक होगा 2024 में, ठीक है। आज 8 अगस्त है और आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी था, और इंडिया ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार दिया है। पिछले बार 2012 लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीता था, इस बार 7 मेडल जीता है। ये 7 मेडल हैं, आप याद कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, रेसलिंग 57 kg में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर जीता है, और वेट लिफ्टिंग में 49 kg वुमेन में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। साथ ही वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में PV सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है, वुमेन्स बॉक्सिंग में लवलीना ने भी ब्रॉन्ज जीता है, हॉकी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, और रेसलिंग में 65 किलो भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज जीता है। तो ये 7 बिल्कुल आपके होठों पे होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आर्टिकल है SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे LIC है, वैसे ही SBI का जनरल इंश्योरेंस है। तो इन्होंने एक लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप किया है, मणिपाल बिजनेस सोल्यूशन। ये मणिपाल बिजनेस सोल्यूशन के साथ इन्होंने टाइप किया है, काहे के लिए, टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल मार्केट, ठीक है, गांव देहात के लिए। अब बात SBI की आई है, तो SBI जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर मुंबई में है जी, जैसा कि SBI का भी मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। SBI जनरल इंश्योरेंस का फाउंडेशन हुआ था 2009 में, और इसके CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रकाश चंद्र कंदपाल। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इन्होंने जी सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने लॉन्च किया है इंडियन कस्टम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल www.cipicegate.gov.in, ठीक है।
सी सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरपर्सन हैं एम अजीत कुमार, और इसका फाउंडेशन हुआ था जी 1 जनवरी 1964 को, ठीक है 1964। तो आप ये दोनों याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 34वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 6 अगस्त को, ट्राइफेड जिसको बोलते हैं ना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ट्राइफेड में भी शॉर्ट में बोलते हैं, 34वां किया है। इसका मतलब कि ये 6 अगस्त 1987 को नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी के रूप में बना था जी। इसका ऑब्जेक्टिव था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है, जैसे आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ते हैं तो वही था इनका मेन मोटो था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। अगला आर्टिकल है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ये दिख रहे होंगे इंडिया के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं जी अब्दुल मेमन, ए जे अब्दुल मेमन। तो इन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है जी, और CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर मतलब ज्वाइन करने की सहमति दे दिया है जी बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है जी। इंडिया में वेस्ट बंगाल में भी राजकीय भाषा बंगाली है। प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हमीद हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। यहाँ करेंसी चलता है टका और यहाँ के लेजिस्लेचर को यानी पार्लियामेंट को जातीय संसद कहते हैं। तो ये भी सवाल में पूछ चुका है कई दफ़ा, जातीय संसद, आप इसे याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।